अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नोमान अहमद फ्रॉम उनवलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल और उनवलास ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट्स मैथ्स को पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 हमारा मैथ्स में चल रहा था सेट्स का, और ये जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है गिवन दैट द सेट्स, यानी इसमें हमें सेट दिए गए हैं जिसमें पहला जो है वो हमारे पास ए का सेट है जिसके एलिमेंट हैं एफ ए सी ई एंड बी सेट। बी का सेट हमें दिया गया है ई जी डी एफ, ठीक है। ए और बी दो सेट हैं, आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट्स यू, और ये दोनों जो सेट्स हैं ये एक्चुअली सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन है हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, पार्ट नंबर 1 में ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। स्टूडेंट्स हम पीछे जो है वो उसके हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सेट में किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर डैश बना हुआ हो तो हम उसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट को जो फाइंड आउट करने का तरीकाकार था वो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो हमें उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है, यानी उसका डिफरेंस निकालना होता है यूनिवर्सल सेट में से। तो इसी की तरीके से हम पहले सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे, और सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा और इसका फॉर्मूला हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट का। चूँकि हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा यू माइनस ए। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट होता तो फॉर्मूला बनता यू माइनस बी, अगर सी कॉम्प्लीमेंट होता तो यू माइनस सी एंड सो ऑन। उसके बाद हमने नीचे अगेन लिखा ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जो है वो हमने ऊपर देखें यूनिवर्सल सेट का साइन बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट के नीचे यूनिवर्सल सेट यहाँ कंप्लीट हम लिखेंगे जिसके एलिमेंट हम क्वेश्चन से देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ये लिख लिया। उसके बाद सेंटर में माइनस का साइन है तो यहाँ पर हमने माइनस शो किया। लास्ट में जो है वो ए का एलिमेंट है तो यहाँ सॉरी ए का सेट है तो हम यहाँ पर ए के कंप्लीट सेट को लिखेंगे क्वेश्चन से देखकर एफ ए सी ई, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किस तरीके से होता है, पीछे वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, मैं दोबारा से बता दूं कि माइनस में हम क्या करते हैं, जिन दो सेट्स को आपस में माइनस करना होता है उसमें हम देखते हैं सेम नंबर्स या सेम वेरिएबल्स, दोनों सेट में जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे, उनको हम कट कर देंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों सेट में देखें F जो है वो मुझे, F का जो वेरिएबल है वो मुझे दोनों में सेम नज़र आ रहा है लिहाजा मैं F को कट कर दूंगा। इसी तरीके से A का जो है वो वेरिएबल दोनों में सेम नज़र आ रहा है, मैं A को भी कट कर दूंगा। C भी दोनों में सेम नज़र आ रहा है, C कट हो जाएगा, और E दोनों में सेम नज़र आ रहा है, E कट हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे आंसर होंगे, जैसे यहाँ पर क्या बचा, बी डी और जी। सेकेंड हमारे पास ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा तो हमने नहीं लिखा, लेकिन अगर सेकंड ब्रैकेट में कुछ बचेगा भी, यानी अगर कोई एलिमेंट बचता भी है तब भी हम उसको आंसर में शो नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस का ये रूल होता है कि हम सिर्फ फर्स्ट वाले ब्रैकेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स को या रिमेनिंग नंबर्स को लिखते हैं, सेकंड वाले सेट के किसी भी नंबर या वेरिएबल को आंसर में हम नहीं लेंगे, ये माइनस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, बी डी जी बच गया, इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया बी डी और जी, ठीक है। सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ऊपर ए का कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो पूरा प्रोसेस इसी तरीके से होगा। पर क्या है, जहाँ पर ए का सेट था वहाँ पर ए की जगह बी का सेट आ जाएगा, और बाकी जो माइनस का प्रोसेस है उसी तरीके से आएगा। दोनों ब्रैकेट्स में या दोनों सेट्स में हम देखेंगे जो सेम नंबर्स हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, फिर जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो लिहाजा जो पार्ट नंबर 2 है ये आपने ख़ुद अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर 1 आपने सॉल्व करना है जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर करवाया, नंबर 2 आपने ख़ुद सॉल्व करना है। ये करने के बाद आप इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आएंगे, पार्ट नंबर 3 जिसमें कहा गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की भी ऑलरेडी डिटेल में हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बात कर चुके हैं, तो ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। इसका डेटा क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन से आप ए का सेट लेंगे, इसी क्वेश्चन से बी का सेट लेंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। मैं शॉर्टली आपको बता भी देता हूँ कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में जो सेम नंबर्स होते हैं या सेम वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम लिखते हैं,
वही हमारा आंसर आता है। तो हमने सिंपली ये देखना है कि दोनों में सेम वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, और वो हमारा इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। होपफुली आप कर लेंगे बेटा। नंबर फोर हम है करेंगे। नंबर फोर हमारे पास क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ये कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के ऊपर है, तो लिहाजा हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है, फिर जो इसका सेट का आंसर आएगा उसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। चलें देखते हैं, पहले हम सॉल्व केटिंग लगाएंगे, उसके बाद सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व हम करते हैं। तो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, पहले हमने ए का सेट लिखा, सवाल से देख कर वही एलिमेंट्स आ जाएंगे एफ ए सी ई, उसके बाद बीच में यूनियन का साइन है तो यहाँ पर भी हम बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे। देन लास्ट में हमारे पास बी का सेट है, सिंबल है, तो यहाँ पर भी हम बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे ई जी डी एफ। ठीक है, अब यूनियन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या करते हैं, कि यूनियन का मतलब यूनाइट करना, मुत्तहिद करना। हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को आपस में मिलाकर लिखेंगे, मगर उनको हम तरतीब से लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा मरतबा एलिमेंट्स आ रहे हैं या वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उनको हमने एक ही मरतबा लिखना है, ज़्यादा मरतबा नहीं लिखना। ये यूनिवर्सल सेट का सॉरी यूनियन का आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास दोनों सेट अगर देखा जाए ए और बी में, तो पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है वो बी नहीं है हमारे पास दोनों सेट में, तो हम बी नहीं लिखेंगे। उसके बाद सी आ रहा है, फिर डी है, ई देखें दोनों के अंदर मौजूद है तो हम एक ही बार डी ई लिखेंगे, एफ भी दोनों में मौजूद है हम एक ही बार एफ लिखेंगे, उसके बाद जी। ठीक है, मेक श्योर कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास यूनियन के अंदर आ जाने चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। पहले इसका फॉर्मूला बनेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी किसी भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हमने उसको लेस करना होता है यूनिवर्सल सेट में से। जैसे पीछे हमने ए का यूनियन मालूम किया तो यू माइनस ए था, बी का यूनियन होगा तो यू माइन कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू माइनस बी। अब यहाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट को हमने ए यूनियन बी से माइनस करना है। तो हमने इसी तरीके से दोबारा से लिखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ऊपर यूनिवर्सल सेट का सिंबल है तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, सेंटर में माइनस की साइन है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद जो है वो ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो ए यूनियन बी जो अभी हमने फाइंड आउट किया ए सी डी ई एफ जी का सेट, यहाँ पर ये हमारे पास इसका सेट आ जाएगा। उसके बाद माइनस करना है, माइनस का प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे कि दोनों सेट्स को देखेंगे, दोनों सेट में जो हमारे पास सेम नंबर्स होंगे उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और सिर्फ पहले ब्रैकेट में बचे हुए नंबर को हम लिखेंगे। तो यहाँ वैसे ही दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बच रहा, पहले ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है बी, तो लिहाजा हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, बी आया। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर फाइव है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि पहले वो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ऐसा नहीं है, पहले आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं दिए गए सवाल के अंदर। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद जो ए का सेट सवाल में दिया गया है उसको बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर फाइव है सॉरी नंबर सिक्स है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले क्या दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे और उसके बाद ए इन दोनों के सेट्स का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। यहाँ पर क्या है कि देखना है सबसे पहले कि हमें सवाल किस तरीके से पूछा गया है। सवाल में हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं पूछा गया बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो पहले हम इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करेंगे देन फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, यूनिवर्सल सेट को हम माइनस करेंगे ए में से तो फॉर्मूला बनेगा हमारा यू माइनस ए। ठीक है, अब अगेन हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसके बाद सेंटर में माइनस है तो माइनस आ जाएगा और एंड में ए का सेट है तो ए का सेट आ जाएगा हमारे पास, और क्योंकि हमने पीछे फाइंड आउट भी किया हुआ है तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या आया, बी डी और जी। उसके बाद हमने क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से मालूम होगा, इसी तरीके से मालूम होगा जो हमने पीछे किया है कि यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे बी से, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए,
माइनस का साइन आएगा सेंटर में, और फिर भी बी के जो एलिमेंट सवाल में दिए गए वो हम लिखेंगे ई जी डी एफ। हमने दोनों को माइनस किया, यानी कि दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं उनमें से सेम वेरिएबल्स को हमने कैंसिल आउट किया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ए बी सी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इन दोनों हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, बी डी जी हमने लिख लिया, सेंटर में हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास अभी क्या आया, ए बी सी हमने लिख दिया, ए बी सी। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को हम देखते हैं, दोनों सेट में जो सेम वेरिएबल्स या सेम नंबर्स सेम एलिमेंट्स होंगे हमने उनको ही सिर्फ अपने आंसर के सेट में लिखना है। तो इन दोनों सेट में देखेंगे सेम मुझे सिर्फ बी नज़र आ रहा है, बी वेरिएबल दोनों में सेम है, इसके अलावा डी जी फर्स्ट में आ रहा है सेकंड में नहीं आ रहा, इसी तरीके से ए सी सेकंड में है फर्स्ट में नहीं आ रहा, तो लिहाजा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, सिर्फ बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, गिविन द सेट्स ए। अब यहाँ पर जो हमें ए का सेट दिया गया है ना, ये सेट हमें किस फॉर्म में दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसको हमने पहले समझना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ लिखा हुआ x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। ठीक है, यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं, या हमारे पास समझ लेंगे सेंटेंस की फॉर्म में हमें सेट दिया जाएगा, अब हमने इसको सेट को बनाना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो है क्या ये, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, अब इवन इंटीजर्स के बारे में या इवन नंबर्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, वो नंबर्स जो टू से जो है वो डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स लिखने हैं लेकिन कितने, लेस देन 10, यानी कि 10 से कम। तो लिहाजा हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 2, 4, 6, 8 बस, क्योंकि 2 हमारे पास, 2 से हमारे पास इवन नंबर स्टार्ट होते हैं और 10 से कम है, तो 10 से कम हमारे पास 8 है, तो लिहाजा हमारे पास ए के एलिमेंट क्या बनेंगे, 2, 4, 6, 8। इसी तरीके से बी सेट अगर हम पढ़ें तो बी के सेट में लिखा हुआ है कि x is पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, यानी यहाँ पर नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं वो स्टार्ट 1 से होंगे, हैं कहाँ तक, 10 से कम, लेस देन 10, यानी ये भी 10 से कम है, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 जो है वो हमारे पास नंबर्स इस सेट के अंदर बी के सेट में आ जाएंगे। आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें कोई ऑड नंबर नहीं कहा गया, इवन नंबर्स नहीं कहा गया, मतलब ये इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 है तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 1 से लेकर 9 तक। तो इस तरीके से हमने पहले इनके सेट्स को जो है वो बिल्ड करना है, बनाना है, उसके बाद हमने सॉल्व करना है। तो ये हमें, हमने इसके बारे में बात कर ली। अब इसके पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ए यूनियन बी नहीं है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लिहाजा हमें सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और उसके बाद इसका यूनियन फाइंड आउट करना है ए के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फॉर्मूला बनेगा हमारा यू माइनस बी, क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी हमने किसी भी सेट का यूनियन अगर हमने फाइंड आउट, कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, सवाल में हमने बात की 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहे गए हैं लेस देन 10। तो लेस देन हमारे पास 10, हमारे पास नंबर्स कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और बी के सेट्स हमारे पास क्या थे, ऑड नंबर्स थे लेस देन 10, तो ऑड नंबर्स हमारे पास आ गया 1, 3, 5, 7, 9। दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस में चाहे नंबर्स हो चाहे वेरिएबल्स हो, कोई हम सिंपल जिस तरीके से माइनस करते वैसे नहीं करेंगे। माइनस का हमने जो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है वही हर जगह पर अप्लाई होगा कि दोनों सेट्स को हम देखेंगे, दोनों सेट्स में जो सेम नंबर्स होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे और माइनस में सिर्फ पहले ब्रैकेट के बचे हुए नंबर्स को लिखेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ के अंदर मिस्टेक ना करें। तो क्या, कौन से नंबर कट होंगे, इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स कट हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद रिमेनिंग नंबर्स क्या बचेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से, 2, 4, 6, 8। तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 2, 4, 6, 8। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, अब हमने इसको ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करना है। ए का सेट सवाल में दिया गया है, ए के सेट क्या थे, ए का सेट हमारे पास था इवन नंबर्स थे लेस देन 10, तो हमारे पास इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8,
और यूनियन के बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट अभी अभी फाइंड आउट किया, इसके भी एलिमेंट्स हमारे पास 2, 4, 6 सेट है। यूनियन निकालेंगे, यूनियन में हम यूनाइट करते हैं, दोनों सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, ठीक है, और तरतीब से लिखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, यही आंसर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, यानी जो दो नंबर आ रहे हैं दोनों सेट्स में उसको एक ही बार लिखेंगे। लिहाजा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, 2, 4, 6, 8। पार्ट नंबर टू है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, कुछ इसी तरीके से होगा, थोड़ा सा चेंजिंग पॉइंट है, वहाँ बी कॉम्प्लीमेंट था या ए कॉम्प्लीमेंट है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फिर इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बी के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, पहले आप नंबर वन पार्ट सॉल्व करें, उसके बाद नंबर टू करें खुद से, फिर नंबर थ्री की तरफ आते हैं। नंबर थ्री हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद आपने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और इन दोनों के सेट्स का फिर आपने एंड में क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फॉर्मूला बनेगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट लिख लिए 1 to 9, और ए के सेट्स हमने लिख दिए इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑड नंबर्स बचेंगे 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से निकलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, शुरू में हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे 1 to 9, और हमारे पास बी के सेट आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, ऑड नंबर जो सवाल में दिए गए हैं, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या नंबर बने, 2, 4, 6, 8, यानी इवन नंबर्स बने। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, दोनों के सेट्स को हम आपस में लिखेंगे, सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन आएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स को देखेंगे और जो हमें इन दोनों में सेम नंबर्स नज़र आएंगे उनको हम कॉपी करेंगे, लेकिन ज़रा देखिएगा इन दोनों में हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम नज़र आए, ना ए के एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, ना बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो लिहाजा हमारे पास इसके अंदर कोई भी सेम नंबर्स नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, नल सेट, खाली सेट, हम खाली सेट बना देंगे। अच्छा सर, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब अगर कोई सेम नज़र नहीं आता ना तो वो उसके अंदर ज़ीरो लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ज़ीरो भी एक नंबर है, ठीक है, तो ज़ीरो भी हमारे पास इन दोनों में सेम नहीं है, तो लिहाजा हमने जस्ट नल सेट बनाना है, ब्रैकेट्स बनाकर छोड़ देना है, ये हमारा आंसर होगा। ज़ीरो अगर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर फोर, ए डेल्टा बी, मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूँ लेकिन इसका जो सही नाम है सिमेट्रिकल डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में भी हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात कर चुके हैं, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूँ किस तरीके से होगा कि ए और बी का सेट हमने लिखना है, और वही प्रोसेस जो हम माइनस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर माइनस में इस्तेमाल किया वही होगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि माइनस में हम ब्रैकेट में सिर्फ पहले बचे हुए ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं, यानी जो पहले सेट के अंदर बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं उनको ही हम लिखते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल डिफरेंस में या डेल्टा के अंदर हम दोनों के अंदर बचे हुए एलिमेंट्स को लिखेंगे, यानी वो एलिमेंट जो ए में बचे हैं और बी में बचे हैं दोनों को हम लिखेंगे, सिर्फ यही फ़र्क है इन दोनों के अंदर, तो काफ़ी ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। उसके बाद नंबर फाइव हम देखते हैं, नंबर फाइव ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी ए और बी माइनस नहीं हो रहे बल्कि ए को माइनस करना है बी कॉम्प्लीमेंट से, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर फाइंड आउट किया है, तो सिर्फ आप देख लें, मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर रहा। अब इसको हमने बी कॉम्प्लीमेंट आ गया जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 2, 4, 6, 8, अब इसको माइनस करना है ए के साथ, ठीक है, पहले हमारे पास ए है तो ए का सेट हमने सवाल से देख कर लिखा, ए का सेट क्या था 2, 4, 6, 8, बी कॉम्प्लीमेंट का भी सेट हमारे पास क्या आया 2, 4, 6, 8, ठीक है, अब इन दोनों को हमने माइनस करना है यानी सेम नंबर्स को कट कर देना है, यहाँ पर भी दोनों में सेम है यानी तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, पहले सेट में भी 2, 4, 6, 8 है, दूसरे सेट में भी 2, 4, 6, 8 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, रिमेनिंग कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर भी हमारे पास नल सेट आ जाएगा, यानी सिर्फ हम ब्रैकेट्स बना देंगे और अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मैथ्स के अंदर प्रेजेंटेशन जो है ना वो बड़ी ही ज़्यादा जो है वो अहम है, तो आप जब भी सवाल सॉल्व करें आपकी राइटिंग आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो इसी तरीके से जो मैंने आपको काम करवाया है आप इसी तरीके से काम करेंगे, इसी तरीके से अपने वर्क को प्रेजेंट करेंगे। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, ठीक है, अभी आपने खुद सॉल्व करना है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, बहुत इजी हमारे पास ये भी पार्ट दिया हुआ है, पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ऑलरेडी पीछे हम निकाल चुके हैं, फिर उसके बाद जो है वो बी के साथ इसका आपने सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नंबर सेवन और लास्ट पार्ट को देखते हैं, यहाँ में दिया गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अगर आपको इसके स्टेप्स आते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो भी आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर पार्ट आ जाए ना, उसके अंदर आपने पहली चीज़ ये देखनी है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसके अंदर हमें दो सेट दिए हुए हैं। पहला सेट ए का है, एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, और दूसरा सेट बी का है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। शो दैट पार्ट नंबर 1 है ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें शो करना है। अच्छा, अगर सवाल में कहा जाए शो दैट या फिर वेरीफाई दैट या फिर जो है वो प्रूव दैट, जब भी ये बातें अगर सवाल में कही जाए तो उसका मतलब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसके एंड में हमें पता चल जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन को सही किया है या गलत किया है। क्योंकि इस क्वेश्चन की जो दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों के आंसर्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, आपस में मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं करते तो लिहाजा हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल में जो एक साइड है वहाँ पर ए और बी का सिमेट्रिकल डिफरेंस यानी डेल्टा मालूम करना है, और दूसरी साइड में ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को आपस में माइनस करना है। ठीक है, तो मैं पहले जो है वो ए डेल्टा बी साइड जो पिक करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पिक करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो मैंने लिखा एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले कोई भी साइड पिक कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक किया, उसके बाद मैंने लिखा ए डेल्टा बी, लेफ्ट हैंड साइड पर जो मौजूद है वो आपने लिखना है। उसके बाद ए डेल्टा बी लिखा, ए डेल्टा बी लिखने के बाद पहले ए है तो ए का सेट आएगा सवाल से 1, 2, 3, 4, उसके बाद डेल्टा की साइन आएगी, उसके बाद बी है तो बी का सेट आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब इन दोनों का हमने डेल्टा मालूम करना है, डेल्टा यानी कि सिमेट्रिकल डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स, इसका भी प्रोसीजर डिफरेंस वाला ही है, माइनस वाला ही है। हम क्या करते हैं कि दोनों सेट को देखते हैं, इनमें से जो सेम नंबर्स होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। माइनस में क्या करते थे कि सिर्फ पहले ब्रैकेट के बचे हुए नंबर्स को लिखते हैं, जबकि डेल्टा में क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट्स के बचे हुए नंबर्स को लिखेंगे। यही इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ दोनों में सेम देखें तो 2 और 4 नंबर्स हैं जो दोनों में सेम है। यहाँ पर भी जो है वो 2 है और 4 है। ठीक है, दूसरे सेट में भी हमारे पास जो है वो 2, 4 दोनों में सेम नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बचा, फर्स्ट ब्रैकेट में 1, 3 बचा और सेकंड ब्रैकेट में 6, 8 बचा। तो लिहाजा हमारे पास ए डेल्टा बी का आंसर क्या आया, 1, 3, 6, 8। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ यही बात पूछी गई है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमने हेडिंग डाली और उसके बाद हमने इस राइट हैंड साइड पर जो मौजूद है वो हमने पूरा लिख लिया, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हम पीछे समझ चुके हैं कि जब भी एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा जो है वो पार्ट आ जाए तो उसके अंदर हम ब्रैकेट्स को देखते हैं। ब्रैकेट्स अगर आ जाएँ तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहला ब्रैकेट से हमारे पास ए यूनियन बी, तो हम पहले ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए और बी के यूनियन में हमें क्या दिया गया है, ए का सेट दिया गया है, हम ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद बी का सेट लिखेंगे और दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन यानी कि हम मिलाकर लिखेंगे दोनों के सेट्स को, दोनों के एलिमेंट्स को हमने मिलाकर लिखना है। तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8। हमने इन दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में यूनाइट करके मिलाकर लिख दिया, ए यूनियन बी आ गया। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, क्योंकि हमने इसको माइनस किससे करना है, ए इंटरसेक्शन बी से माइनस करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का सेट हम मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम पहले ए का सेट लिखेंगे और बी का सेट लिखेंगे, सेंटर में यहाँ पर साइन आ जाएगी इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हमारे पास सेम होते हैं सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। अब यहाँ पर सेम क्या है, 2, 4 दोनों में सेम है, हमने 2, 4 लिख दिया। अब एक यूनियन बी भी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो हमने पूरी स्टेटमेंट लिखी जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर हमें दी गई है, और इसी तरीके से हमने इसके आंसर को लिखा। पहले ए यूनियन बी है तो यहाँ पर ए यूनियन बी का आंसर आया 1, 2, 3, 4, 6, 8। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इंटरसेक्शन है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, और एंड में क्या है, इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया था, 2, 4, हमने 2, 4 लिख दिया। माइनस करेंगे, जो सेम नंबर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, 2, 4 सेम है, 2, 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा, 1, 3, 6, 8। अब आप देख सकते हैं जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर जो सॉल्व किया था उसका भी आंसर मेरे पास जो है वो 1, 3, 6, 8 ही आया, और राइट हैंड साइड पर जो मैंने सॉल्व किया है इसका भी आंसर 1, 3, 6, 8 आया। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड। हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 होगा। अब इसकी भी दो साइड दी गई हैं, पहली साइड पर ए डेल्टा बी है और दूसरी साइड पर ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों के सेट्स का आपस में यूनियन निकालना है।
कोशिश करना है, देखना है कि हमारे पास जो है वो दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये आपने खुद स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर थ्री देखते हैं। पार्ट नंबर थ्री क्या है? ए माइनस बी, एक साइड पर हमें ए माइनस बी दिया गया है और दूसरी साइड पर हमें ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के सेट को हमने माइनस किसके साथ करना है? ए इंटरसेक्शन बी के सेट के साथ माइनस करना है। तो पहले हम कोई भी एक साइड पिक कर लेते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ए माइनस बी दिया गया है, मैंने हेडिंग डाली लेफ्ट हैंड साइड और इसके बाद जो है वो ए माइनस बी दिया गया है, मैं वो लिख लूँगा। ए का सेट है 1 2 3 4, बी का सेट है 2 4 6 8, बीच में माइनस है तो माइनस की साइन हमने लगा दी। माइनस करेंगे दोनों को, यानी सेम नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस है, माइनस में सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 3 बचा, हालांकि सेकंड ब्रैकेट में भी 6 8 बच रहा है, लेकिन क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ हमें ए माइनस बी पूछा गया था, हमने मालूम कर लिया इसका आंसर 1 3 आया। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो पिक करेंगे। राइट हैंड साइड पर स्टेटमेंट क्या दी गई है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए को माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी से, तो पहले हमें इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं। हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी और ए के एलिमेंट्स लिखे, बी के एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। ए के एलिमेंट्स से हमारे पास 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स से हमारे पास 2 4 6 है। इन दोनों को लिखा और लिखने के बाद हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, यानी दोनों सेट के अंदर जो सेम नंबर्स हैं वो हमने देखा, क्या इन दोनों के अंदर सेम नज़र आ रहे हैं? इन दोनों में मुझे दो नंबर सेम नज़र आ रहे हैं, 2 और 4, ये सेम थे, तो मैंने इंटरसेक्शन बी के आंसर में हमने लिख दिया 2 और 4। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस ए इंटरसेक्शन बी के जो आंसर को माइनस करना है ए से। हमने लिखा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट सवाल से हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 हमने लिख लिए, माइनस का माइनस आया और ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने जो फाइंड आउट किया 2 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 4। दोनों को माइनस करेंगे यानी सेम नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा? 1 3। अभी हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास आंसर क्या आया था? 1 3, और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास आंसर क्या आया? 1 3। तो लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गई। हम स्टेटमेंट को लिखेंगे और एंड में लिखेंगे प्रूफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी कंप्लीट। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। बीच में जो मैंने होमवर्क दिए हैं उसको आप करें और लाइन वाइज आपने काम करना है। जो पहले मैंने पार्ट करवाए हैं वो आप करेंगे और बीच में जो होमवर्क है वो आप इसके साथ ही करते रहेंगे। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो नंबर्स दिए गए हैं उसके ऊपर आप मालूम कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।